सो हे गाइस, दिस इज ध्रुव गोयल अकूस्टिक बनियार। और आज का अपना गिटार लेसन एक बहुत ही ट्रेंडिंग, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही ट्रेंडिंग इंस्टा की हर रील पर पाया जाने वाला एक गाना, विच इज़ एक्सक्यूजेस बाय एपी डिलन। तो यार इस गाने का भी मतलब है तो पंजाबी, लेकिन करेंगे ज़रूर बिकॉज ट्रेंडिंग में, तो शौक तो हमें भी है थोड़े व्यूज़ बढ़ाने का। तो यार आज इस गिटार पे अपन इस गाने को करने वाले हैं बहुत ही इजी सिंपल कॉर्ड्स के अंदर। सिर्फ 3 कॉर्ड्स हमारी लगेंगी और ये पूरा का पूरा गाना ख़त्म हो जाएगा और तैनू पता लगेगा कि कितना इजी ये गाना है। सो गाइस, फिलहाल आ जाते हैं हमारी गाने की कॉर्ड्स पे। तो केपो लग जाएगा हमारा फर्स्ट फ्रेट पे और हमारी 3 कॉर्ड्स इस गाने में चलेंगी, विच आर ई माइनर। सेकेंड कॉर्ड चलेगी सी मेजर और थर्ड कॉर्ड चलेगी डी मेजर। तो ई माइनर, सी और डी, ये 3 हमारी कॉर्ड्स इस पूरे गाने को कंप्लीट करेंगे। तो 3 कॉर्ड्स का गाना बहुत इजी होता है, आपस में ही वो आप लड़ती रहती हैं और पूरा गाना खत्म हो जाता है कब, ठीक है। सो यार अभी फिलहाल गिटार लेसन शुरू होने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट करूँगा कि काफ़ी बार ना मेरे को क्वेश्चंस आते हैं, नीचे कमेंट्स आते हैं कि कौन से इक्विपमेंट्स और क्या क्या सामान मैं अपनी वीडियोस के लिए यूज़ करता हूँ। तो उसका सिंपल सा आंसर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ अमेजोन का लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करोगे तो कैटेगरी वाइज तुम्हें पूरा का पूरा स्टोर मिल जाएगा जिसमें मैंने सारे अपने प्रोडक्ट्स को डाल रखा है, बांट रखा है प्राइस वाइज, कैटेगरी वाइज, सारे वाइज। तो वहाँ पर जाके चेक करो और वहाँ से खरीद लेना, थोड़ा अपन का भी फायदा हो जाएगा। तो यार अभी फिलहाल आ जाते हैं अपने गिटार लेसन की तरफ। तो गाना हमारा शुरू होता है सी मेजर की कॉर्ड से, पंजाबी गाना है और मेरे को जो है पंजाबी बिल्कुल, सो इसीलिए यार मेरा पूरा गाने की जो चलेगा ना वो इस गाने के लिरिक्स को साथ देखते हुए चलेगा। लेकिन गाना शुरू होने से पहले इस गाने का एक मेजर पैटर्न बता दूं, बिकॉज उस पैटर्न पे ये हमारा 80% गाना बेस्ड है। और पैटर्न मतलब स्टैंजस तो हमारे रिपीट होते रहते हैं लेकिन पूरा गाना उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है मैक्सिमम टाइम। तो वो है सी मेजर, डी मेजर, ई माइनर, डी मेजर। ठीक है, समझ गए कैसे, सी मेजर, डी मेजर, ई माइनर, डी मेजर। अब इसकी स्ट्रमिंग जो है वो इस गाने का मेन खेल है। देखो स्ट्रमिंग जब भी हमारी चेंज होगी ना तो वो गाने का मूड बदल देती है, तो उसी चीज़ को हमें यहाँ पे मेंटेन करके रखना है। स्ट्रमिंग हमें बहुत अच्छी सी रखनी है, विच इज़ डाउन अप चक, डाउन अप डाउन अप चक, डाउन अप चक, डाउन अप डाउन अप चक, डाउन अप चक, डाउन अप डाउन अप चक। जिन लोगों को थोड़ा सा इशू आ रहा है इसमें वो या तो ये भी ले सकते हैं कि डाउन अप चक, डाउन अप चक, डाउन अप चक। लीस्ट प्रेफर्ड वाली है ये वाली डाउन अप चक वाली, बिकॉज इसमें गाने की वाइब थोड़ी सी किल हो जाएगी। थोड़ा सा भी अगर इसको मेंटेन करके रखना चाहते हो और वो चीज़ नहीं हो पा रही कि एक बार डाउन अप चक, दूसरी बार डाउन अप चक, ये चीज़ नहीं हो पा रही, तो क्या करना, डाउन अप चक, डाउन अप चक, दोनों बार डाउन अप चक ले लेना, वो भी चल सकता है। मैंने उसको क्यों नहीं लिया, उसका एक मेजर रीज़न ये है कि अगर सेम स्ट्रमिंग पूरे गाने में चलती रहती है तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, यानी वो गाने का फील ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे क्या रहेगा, डाउन अप डाउन अप चक, डाउन अप चक, डाउन अप चक, थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ी सी बीट, एक ग्रूवी सी बीट बनी रहती है ऑडियंस के जो कानों में ना वो बनी रहती है अगर हम स्ट्रमिंग थोड़ी सी मिक्स रखें। अगर हम डाउन अप चक, डाउन अप चक, डाउन अप चक, डाउन अप चक पूरे टाइम ये प्ले करते रहेंगे तो उनको लगेगा ये बीट है ही नहीं, ये बस गिटार बज रहा है। लेकिन पहली वाली पे जो मतलब मेन इसकी मैंने स्ट्रमिंग बताई वो प्ले करोगे तो वो बीट भी लगेगी, स्ट्रमिंग भी लगेगी। सो इसीलिए मैंने क्या रखा, डाउन अप चक, डाउन अप चक, डाउन अप चक। पैटर्न क्या था, सी डी ई माइनर डी। अब देखते हैं हमारे गाने के ब्रेकडाउन को, यानी लिरिक्स के साथ साथ ये गाना हमारा कैसा सूट करेगा। तो हमारा शुरू होता है, टूटे दिल नो संभले फिर दे की फायदा मुते आरे नी, 12 साल मजियां चराइयां छड़े तक थजारे नी। यहाँ तक का ब्रेकडाउन समझते हैं, मेरे को भी क्योंकि लिरिक्स का फोकस थोड़ा रखना पड़ रहा है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ यार इसको, ऐसे नहीं बात बनेगी। हाँ अब ठीक है। सो हमारी पहली लाइन क्या रहती है, टूटे दिल नु संभले फिर दे की फायदा मुत्यारे नी, 12 साल मजियां चराइयां छड़े तक थजारे नी। यहाँ तक तो आप एकदम सिंपल स्ट्रमिंग रखो, बिकॉज यहाँ से एकदम से बीट शुरू होती है। थोड़ा गाना गा के ट्राई करता हूँ, ट्राई, ओके। सो टेक 1, टूटे दिल नु संभले फिर दे की फायदा मुत्यारे नी, सिंपल स्ट्रमिंग, 12 साल मजियां चराइयां छड़े तक थजारे नी, हर साल नाल याद तेनू कर दे रहे कोई साडे वागू याद तेनू पता लगूगा, दिल नाल लारे नी तू लौन वाली है, दिल तेरा जद टुटगा ते
मेरे दिल नाल नारे नी तू लौण वाली है, दिल तेरा जद टुटगा ते पता लगूगा। दिल नाल नारे नी तू लौण वाली है, दिल तेरा जद टुटगा ते। ठीक है, ये हमारी चलती है गाने का थोड़ा सा टाइप, मतलब बीच बीच में डामाडोल हो रहा था मेरा, वही पंजाबी वाला स्टाइल। सो हमारे इसका ब्रेक समझो अब, कि मतलब लिरिक्स के साथ ये कॉर्ड्स कैसे जमेंगी। तो हमारा पहले चलेगा सी मेजर। टूटे दिल नु संभले फिर दे, दे पर डी आ जाएगा, डी पे दी, मतलब दे पर डी। तो टूटे दिल नु संभले फिर दे की फायदा मुत्यारे नी। देन इसके बाद 12 साल मझियां चराइयां, ई माइनर, छड्डे तक हजारे नी। डी मेजर, ठीक है, छड्डे, छड्डे से छड्डे तक, छड्डे, हाँ छड्डे तक हजारे नी, यहाँ पे हमारा आ जाएगा डी मेजर। तो सी डी ई माइनर डी, ऐसे बढ़ गया। अब इसी लूप को हमें रिपीट करना है। अब थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे गाना आ जाएगा और बीट्स आ जाएंगी। हर साल नाले आद तेनु कर दे रहे, कोई साडे वांगू करूगा ते पता लगूगा। यानी सी डी ई माइनर डी है, तो नेक्स्ट लाइन डी मेजर के साथ ऐसी चलेगी। फिर दिल नाल नारे नी तू लौण वाली है, दिल तेरा जद टुटूगा ते। अब यहाँ पर गाने में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या कि यहाँ पे पूरी लाइन कंप्लीट नहीं करी है। यहाँ पे दिल नाल नारे नी तू लौण वाली है, दिल तेरा जद टुटूगा ते। मेरे दिल नाल नारे नी तू लौण वाली है, दिल तेरा जद टुटूगा ते पता लगूगा। दिल नाल नारे नी तू लौण वाली है, दिल तेरा जद टुटूगा ते। ये चलता है हमारे गाने में। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा, यहाँ पर जब बीच में आया डी मेजर, दिल नाल नारे नी तू लौण वाली है, दिल तेरा जद टुटूगा ते, यहाँ पे ना पूरी स्ट्रमिंग में चला के रखना छोड़कर। तुम्हें तो पता है ना कि यहाँ पर वर्ड को ब्रेक करना है, मेरे को पूरा नहीं गाना। तो यहाँ पर लेने के बाद एक स्लाइड, स्लाइड से क्या होगा, गाने का टेस्ट एकदम से, मतलब बीट आ रहा थी, एक वूश वूश बेस आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या वूश इफेक्ट देना है। हर साल नाले याद तेनु कर दे रहे, कोई साडे वांगू करूंगा ते पता लगूगा। दिल नाल नारे नी तू लौण वाली है, दिल तेरा जद टुटगा ते। मेरे दिल नाल नारे नी तू लौण वाली है, दिल तेरा जद टुटगा ते पता लगूगा। दिल नाल नारे नी तू लौण वाली है, दिल तेरा जद टुटगा ते। जहाँ भी ये वर्ड हमारा ब्रेक हो रहा है ना, वहाँ पे एकदम से स्ट्रमिंग ब्रेक कर देना, छोड़ देना, बिकॉज वहाँ पर तुम अगर गाना सुनो तो एकदम से म्यूजिक व्यूजिक सब रुक गया, लिरिक्स रुक गए, म्यूजिक रुक गए, बीट रुक गई, सब रुक देते हैं एकदम से। तो वही चीज़ तुमको भी चलना आनी है, बिकॉज गाने का एक मूड हर एक चीज़ से बटा होता है। ऐसा नहीं होता कि इस पार्ट को छोड़ना क्या जा रहा है, ऐसा कहीं नहीं होता, हर चीज़ पे कुछ ना कुछ बटा होता है। तो उसी चीज़ को आपको भी मेंटेन करके रखना होगा। ठीक है, देन इसके बाद हमारा आता है स्टैंजा पार्ट, कैंदी उंदी सी वाला, तो उस पर नज़र डाल लेते हैं। सो यार इसके आ जाते हैं स्टैंजा पार्ट पे। तो स्टैंजा में हमारा चलेगा ई माइनर, सी मेजर, डी मेजर, ई माइनर। कैसे, लिरिक्स के साथ देखो। कहंदी हुंदी सी चण तक रा बना दे, तो यहाँ पे कहंदी हुंदी सी, ई माइनर, चण तक रा बना दे, सी मेजर, तारे नी पसंद मैनू। मैं सिंपल स्ट्रमिंग ले रहा हूँ डाउन अप चेक की, बिकॉज आपको समझाना इजी रहेगा। तारे नी पसंद मैनू मैनू, ऊपर हमारा ई माइनर, उससे पहले डी मेजर। तो हमारा पूरी लाइन कैसे चली, कहंदी हुंदी सी चण तक रा बना दे, तारे नी पसंद मैनू है था सारे ला दे। अब यहाँ पर स्नैप कर लेना, या फिर वूश कर लेना, या चक दे देना, कुछ भी दे देना। देन इसके बाद वापस सी डी ई माइनर डी। कैसे, हुण तारिया दे विच जदों मैनू वेखेगी ही, मेरी याद जदों आऊंगी ते पता लगूगा। दिल नाल नारे नी तू लौण वाली है, दिल तेरा जद टुटूगा ते पता लगूगा। दिल नाल नारे नी तू लौण वाली है, दिल तेरा जद टुटूगा ते पता लगूगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर द सॉन्ग टुडे। यानी हमारा गाना सिर्फ इतना ही है, सी डी माइनर डी को लेकर हमारा गाना 80% चलता रहा, और बाकी का गाना हमारा छोटा सा जो है वो आया स्टैंजा पार्ट में, विच वॉज ई माइनर, सी मेजर, डी मेजर, ई माइनर। सिर्फ ये चार कॉर्ड्स बीच में हल्की सी आई, और बाकी फिर से सी डी ई माइनर डी हमारी चल पड़ी। नेक्स्ट स्टैंजास भी जो है वो एकदम सेम है, उनमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। जैसे रास ना आया जी तू दिल दा महल बनाया सी, थोड़ के मोती फुला दे उस मैल चबूता लाया सी, सी डी माइनर डी। ठीक है, सो गाइज हमारा गाना कुल मिलाकर इतना ही था, बिकॉज सी डी माइनर डी इस गाने को पूरा ड्राइव कर रही है। पंजाबी गाने जब आते हैं ना, उनमें ज़्यादातर यही चीज़ होती है, जो ये थोड़े से पॉप गाने होते हैं ना पंजाबी के, इनमें कॉर्ड्स का बहुत ज़्यादा खेल नहीं होता। बट बिकॉज ये गाना इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में, मतलब यूट्यूब की और
YouTube की शॉर्ट्स और इंस्टा की रील्स में इतना ज़्यादा फैला हुआ गाना है, सो इसीलिए मैंने इसको जो है गिटार लेसन पे लिया है, वरना मैं इसको शूट भी नहीं करता शायद। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे। बहुत ही सिंपल सा और इजी सा गाना था, 3 chords के अंदर ये चल पड़ा हमारा गाना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब विद द बेल आइकन, ताकि आगे आने वाले वीडियोस तुम्हें फटाफट से दिखती रहे और तुम उसको देख के आगे और सीखते जाओ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो टुडे। मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।